दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की। This is Megha and welcome on my YouTube channel. Friends, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू बर्थडे वीडियो प्रोजेक्ट, जिसे कि आप किसी के भी पिक्चर से बर्थडे के लिए ऐसी WhatsApp स्टेटस वीडियो क्रिएट कर सकते हो। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही आप लोग घंटे के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, मैंने अपना एक और एडिटिंग का चैनल बनाया है, तो आप लोग जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से वीडियो क्रिएट नहीं हो पा रही है तो मैं आप लोगों को बनाकर दे सकती हूँ, इसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब इस वीडियो को हम लोग काइन मास्टर पे क्रिएट करेंगे, तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लेती हूँ। ये ओपन हो गया है। इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम लोग वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके आपको वीडियो में जो भी पिक्चर्स को ऐड करनी है उसको आप लोग ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मैं पिक्चर्स को ऐड कर लेती हूँ। इसके बाद इन सब में हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं। तो आपको फन ट्रांजिशन इफेक्ट में आ जानी है एंड इसमें हम लोग इस वाले इफेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो साड़ी में हम लोग ऐड कर लेते हैं। एंड इसके बाद फिर से लेयर पे क्लिक करके आपको इफेक्ट्स में आ जानी है एंड इसमें हम लोग ब्लर वाले इफेक्ट को ऐड कर लेंगे एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। एंड सेटिंग्स में आके इसको हम लोग 5 रख लेंगे एंड इसको फुल वीडियो तक कर लेते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे मैं ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर रही हूँ, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे एंड इसके बाद आपको क्रोमा की वाले ऑप्शन पर आना है एंड इसको एनेबल कर लेते हैं एंड इसको एडजस्ट कर लेंगे। एंड इसके बाद इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको बैक आ जानी है एंड फिर से इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड फिर से हम लोग वीडियो की रेशियो को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर से मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे हम लोग एक ब्लैक कलर की बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे एंड इसकी साइज को बढ़ा लेते हैं। एंड इसके बाद फिर से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके हमने अभी जिसको एक्सपोर्ट किया उसको हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं एंड इसको भी फुल स्क्रीन कर लेंगे। एंड इसके बाद फिर से आपको क्रोमा की वाले ऑप्शन पे आना है एंड इसको एनेबल कर लेते हैं एंड इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एंड इसके बाद बैकग्राउंड की कलर को हम लोग चेंज कर लेंगे, तो उसको हम लोग ग्रीन रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट बैकग्राउंड पिक्चर है उसको हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। तो फिर से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके यहाँ पे हम लोग पिक्चर को ऐड कर लेते हैं। एंड इसको सेंड टू बैक कर लेंगे एंड इसको स्क्रीन में रख लेते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे जैसे ये फ्रेम चेंज होगी तो यहाँ पे ब्लू वाला फ्रेम आ जाएगा एंड फिर से जब ग्रीन फ्रेम आएगा तो यहाँ से हम लोग थर्ड वाली बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। आपको सेकंड बैकग्राउंड को ऐड नहीं करना है अभी, आपको थर्ड वाली बैकग्राउंड को ऐड करना है एंड इसको भी सेंड टू बैक कर लेते हैं एंड इसको भी यहाँ पे रख लेते हैं। एंड फिर से यहाँ पे हम लोग फोर्थ बैकग्राउंड को ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग फिफ्थ वाली बैकग्राउंड को ऐड करेंगे।
लोग ऐड कर लेते हैं। एंड इसको भी सेंड टू बैक कर लेंगे। एंड लास्ट यहाँ पे हम लोग एक और बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिक्स वाली को ऐड नहीं करेंगे, सेवेंथ वाले को ऐड कर लेते हैं। एंड इसके बाद इसको भी हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट होने के बाद फिर से आपको बैक आ जानी है एंड फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड फिर से वीडियो की रिजोल्यूशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद फिर से मीडिया पे क्लिक करके फिर से हम लोग एक ब्लैक कलर की बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे एंड इसकी साइज को बढ़ा लेते हैं। एंड इसके बाद यहाँ से लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके हमने अभी लास्ट जिसको एक्सपोर्ट किया उसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे एंड इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। एंड जैसे यहाँ पे जब ब्लू कलर आएगा तो फिर से हम लोग क्रोमा की वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड इसको एनेबल कर लेते हैं एंड इसको एडजस्ट कर लेंगे। एंड इस बैकग्राउंड की कलर को हम लोग ब्लू रखेंगे। इसके बाद जैसे यहाँ पे सेकंड वाली बैकग्राउंड पिक्चर आएगी तो यहाँ से हम लोग सेकंड बैकग्राउंड पिक्चर को रख लेते हैं एंड इसको भी सेंड टू बैक कर लेंगे एंड इसको स्क्रीन में रख लेते हैं। एंड फिर थर्ड नहीं यहाँ पे हम लोग फोर्थ वाली बैकग्राउंड पिक्चर ऐड करेंगे। तो ब्लू कलर आने से पहले आपको पिक्चर को ऐड कर लेंगे। फिर से हम लोग नेक्स्ट बैकग्राउंड पिक्चर को ऐड कर लेंगे। लास्ट यहाँ पे हम लोग लास्ट वाले पिक्चर को ऐड कर लेंगे। बैकग्राउंड को राइट साइड में ट्रिम कर लेते हैं एंड इसके बाद फिर से लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने एक और टेम्पलेट वीडियो को ऐड किया था इसको भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ एंड इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो इसको स्क्रीन कर लेना है एंड यहाँ पे मैंने एक नेम की टेक्स्ट को ऐड किया था इसको भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। फ़ॉन्ट स्टाइल को रख लेते हैं एंड इसकी कलर को ब्लैक रख लेंगे एंड इसको यहाँ पे रख लेते हैं एंड इसको फुल वीडियो तक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो ये वीडियो क्रिएट हो गई है। इसके बाद आपको इस शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप वीडियो की साइज को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लोगे तो ये आपकी फाइल में सेव हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ यार आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर लो और साथ ही आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरी अदर्स चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उन सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ मैं, और स्पेशल लाइन फॉर सब फेक रैपर्स बेटा सुन तो।